सो गाइज, यहाँ आपका एक क्लोट टेस्ट है। ये क्लोट टेस्ट जो है हमने लिया है 2012 के जो सेट हम करा रहे हैं वहाँ से, 2012 एमबीए बुक से ही सेट लिया गया है। सेट है आपका ये सीपीओ प्री टेस्ट का 2012 में सोल्व हुआ हुआ। बात करते हैं इस क्लोट टेस्ट की गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्लोट टेस्ट स्पेशल मैंने आपके लिए निकाला है गाइज। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली एक क्लोट टेस्ट मैं दे पाऊँ और जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना आपके लिए कर पाऊँ। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर कीमती टाइम हम लोग शुरू करते हैं इस क्लोट टेस्ट को जो वो कह रहा है इसमें। चलिए गाइज, कह रहा है कि द लीग ऑफ नेशंस वॉज डैश इन 1999। तो यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस जो है डैश हुई थी 1999 में। सो क्रिएटेड या फॉर्म्ड या मेड या ओपन। तो गाइज, ऐसी स्थिति में हम लोग लगाते हैं हमेशा फॉर्म्ड का इस्तेमाल। द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड इन 1999। जो लीग ऑफ नेशंस है वो बनी थी आपकी 1999 में। तो इस सेंटेंस का तो आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, कन्फर्म है। यस गाइज, आगे देखिएगा। इट बिकेम इनफेक्टिव एंड द यूएनओ बिगेन टू डैश फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945। तो ये आपका इनफेक्टिव हो गई और यूएनओ ने इस पर डैश करना शुरू कर दिया फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945 से। स्टार्ट, ऑपरेट, फंक्शन या कॉमर्स। सो गाइज, यहाँ सेंटेंस में हम लोग लगाएंगे फंक्शन से, किसी चीज़ को अपने हाथ में लेकर उस पर काम करना या उसको अपने हिसाब से चलाना, उसको बोलते हैं गाइज फंक्शन। तो यहाँ पे इट बिकेम इनफेक्टिव एंड द यूएनओ बिगेन टू फंक्शन, 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। बिगेन टू फंक्शन यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डैश इन 1939। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में डैश हुई। अब यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है सारा फंक्शन आपका। पहला आपका ब्रोक इन, ब्रोक इन का मतलब घुसना। उसके बाद अगला है गाइस यहाँ पे ब्रोक आउट, कोई हिंसा या युद्ध वगैरह का फैलाना। हालांकि ब्रेकआउट है लेकिन मैंने सेकंड फॉर्म के साथ इसको पढ़ा ब्रोक आउट, कोई हिंसा या युद्ध वगैरह फैलाना। ब्रोक इन टू का मतलब भी होता है घुसना, लेकिन जबरदस्ती घुसना कहीं पे, बहुत जबरदस्ती घुसना ब्रोक इन टू। और ब्रोकअप मतलब टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, किसी चीज़ का संबंध हो जाना, विच्छेद हो जाना। ये तो आपको खूब अच्छे से पता होगा गाइस, ब्रेकअप कहीं ऊपर तो बीती भी होगी आप में से, ब्रेकअप। सो यहाँ पे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डैश इन 1939, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट यानी कि युद्ध जो है हिंसा फैल चुकी थी 1939 में। इट कॉज ग्रेट डैश, इससे जो है बहुत ज़्यादा डैश हुआ। इट कॉज ग्रेट लॉस टू ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, इसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को। वेस्टेज का मतलब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वेस्टेज एक तरह से पैसे वगैरह की, समय की, इस चीज़ की किया करते हैं लोग बाग, यहाँ पे वेस्टेज का वर्ड का इस्तेमाल करना यहाँ पे करेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद कैलेमिटी है आपका, कैलेमिटी मतलब संकट आना किसी चीज़ पर, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर रहेगा लॉस, बिल्कुल सही, लॉस टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एज अ डैश ऑफ यूज ऑफ एटम बम्ब्स, एज अ डैश, एज अ रिजल्ट, बिल्कुल जो परिणाम निकले एटम बम के, एज अ रिजल्ट ऑफ एटम बम, एज अ रिजल्ट ऑफ एटम बम मैनी पीपल वर डैश एंड मैनी अदर बिकेम डैश। तो जो एटम बम गिरा था उससे जो है कई लोग डैश हुए, डिस्ट्रॉयड हुए, डिस्ट्रॉयड तो दुनिया हुआ करती है गाइज, तो यहाँ पे तो लोग मरे गए। मैनी पीपल किल्ड, मैनी पीपल वर किल्ड एंड मैनी अदर बिकेम डैश, और कई सारे लोग हो गए वहाँ पे डैश, क्या हो गए, डस्ट, डिसेबल, डिसएडवांटेज, अनफिट या हैंडीकैप्ड। तो हैंडीकैप्ड हो गए गाइस, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कुछ, किसी का कुछ अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना हैंडीकैप्ड की श्रेणी में रखा जाता है गाइस। तो यहाँ पे 47 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, बिकेम हैंडीकैप्ड। द वर्ल्ड लीडर्स फियर्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर डैश द एंटायर वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया के लीडर्स थे वो घबरा गए कि अगर इस तरह की कोई दोबारा घटना घटती है तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी, पैरिश, नष्ट हो जाना, डेमोलिस, दहा देना, जियोपार्डी, खतरे में डालना, और डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना। सो अगर द वर्ल्ड लीडर इस तरह से घबरा गए कि द अनदर वर्ल्ड वार, अगर इस तरह का दोबारा घटना कोई घटती है
वुड डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसमें समाप्त हो जाएगी। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ द डैश, ये एक क्वेश्चन है डैश का ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति को डैश करने का। कंटिन्यूटी, सर्वाइवल, प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस गाइड मतलब मौजूदगी। तो दिस इज द क्वेश्चन, इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड टू एंश्योर पीस एंड डैश। सो गाइज यहाँ पे 50 में पीस का वर्ड तो इस्माल हो चुका है, तो पीस का यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीस एंड सिक्योरिटी, द वर्ल्ड लीडर्स इस्टेब्लिश अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट यूएनओ। तो देश में शांति और सिक्योरिटी स्थापित करने के लिए यूएनओ एक डिपार्टमेंट बना, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अब कोई भी घटना अगर घटती है तो पहले यहाँ पर आपके साथ बातचीत होगी, उसके बाद में सुलह मशवरा, उसके बाद में देखा जाएगा जो भी होना है। यानी कि अब कोई भी दो देश नहीं लड़ सकते आपस में, क्योंकि देखिए गाइस कुछ भी कहो नुकसान मानव जाति को ही होना है। ऐसा मैंने भी पढ़ा है गाइस कि अगर दूसरा वर्ल्ड वार होता है, यानी कि अब दूसरा तो नहीं तीसरा होगा, अब तो दूसरा हो चुका है, अगर अब जब भी वर्ल्ड वार होता है तो 80% पॉपुलेशन तो तुरंत ही फिनिश हो जाएगी, 20% पॉपुलेशन जो बची हुई रहेगी वो रेडिएशन वगैरह की वजह से विद इन 2 या 3 मंथ्स अपने आप निमट जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह के उपकरण, इस तरह की चीज़ें जो देश को हानि पहुँचाए, जो देश की जनता को नुकसान पहुँचाए, मुझे नहीं लगता कि उनको यूज़ करना कहीं से कहीं तक भी बुद्धिमता है। तो गाइज संयम रखना होगा हर देश को अपने ऊपर, जोश में अपने होश नहीं खोने होंगे। फिलहाल तो यहाँ पे 2 बार घटना घट चुकी है वर्ल्ड वार की, जापान इसको झेल भी चुका बेचारा 2 बार, तो ऐसी घटना किसी को ना झेलनी पड़े। फिलहाल यही दुआ करते हैं गाइस पूरी दुनिया में शांति रहे। तो गाइस फिलहाल तो चलते हैं, आज का क्लोटेस यहीं पे समाप्त होता है, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।